हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि रेफरेंस और रिव्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, रेफरेंस रिवीजन के बीच में क्या डिफरेंस है, रिव्यू और रिवीजन के बीच में क्या डिफरेंस है, रेफरेंस और अपील के बीच में क्या डिफरेंस है, रिव्यू और अपील के बीच में क्या डिफरेंस है और रिवीजन और अपील के बीच में क्या डिफरेंस है। डिस्टिंक्शंस बिटवीन रेफरेंस एंड रिव्यू। रेफरेंस में जो केस है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को रिफ़र किया जाता है। केस को पार्टी हाई कोर्ट में रिफ़र नहीं कर सकती है, ये किया जाएगा सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा। रिव्यू के लिए जो एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट के समक्ष अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा रखी जाती है। जो मैटर ऑफ रेफरेंस है वो सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है। रिव्यू उसी कोर्ट के द्वारा किया जाता है जिस कोर्ट के द्वारा डिक्री या फिर ऑर्डर को पास किया गया था। रेफरेंस तभी किया जा सकता है जब जो सूट, अपील या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है। रिव्यू तभी करा जा सकता है जब जो डिक्री है या फिर जो ऑर्डर है उसे पास कर दिया गया है। जो रेफरेंस के ग्राउंड्स होते हैं और जो रिव्यू के ग्राउंड्स होते हैं वो दोनों भिन्न होते हैं। रेफरेंस और रिव्यू को हम डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड रिविजन। रेफरेंस के लिए जो केस है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। रिविजन के लिए जो एप्लीकेशन है वो हाई कोर्ट के पास में या तो अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा दी जाती है या फिर हाई कोर्ट सुओ मोटो रिविजन करता है। रेफरेंस के लिए ग्राउंड ये होता है कि जब क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके पास कोई डाउट होता है तो ऐसे समय पर जो केस है वो रेफ़र किया जाता है हाई कोर्ट के समक्ष। रिविजन के लिए जो ग्राउंड है वो है ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स। रिविजन को हम लोग डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड रिविजन। डिविजनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा ही एक्सरसाइज किया जा सकता है। जो रिव्यू है वो उसी कोर्ट के द्वारा किया जाता है जिसने ऑर्डर या डिक्री को पास किया था। रिविजनल पावर तभी एक्सरसाइज की जाती है जब जो अपील होती है वो लाए नहीं करती है हाई कोर्ट के समक्ष। ऑर्डर और डिक्री को रिव्यू किया जा सकता है, भले ही फिर ऐसी परिस्थिति में जो अपील है वो हाई कोर्ट के समक्ष की जा सकती हो। हाई कोर्ट के द्वारा जो रिविजनल पावर है उसको सुओ मोटो भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। रिव्यू के लिए एक एप्लीकेशन दी जानी ज़रूरी है अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा। रिविजन का जो मेन ग्राउंड है वो है ज्यूरिसडिक्शनल एरर। रिव्यू के लिए डिफरेंट टाइप्स के ग्राउंड्स हो सकते हैं। जिस ऑर्डर के द्वारा रिविजन को ग्रांट किया गया है वो अपीलेबल होता है। रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करके जो ऑर्डर दिया जाता है वो अपीलेबल नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड अपील। जो पावर ऑफ रेफरेंस है वो कोर्ट में ही वेस्टेड होती है। राइट टू अपील वह अधिकार है जो कि पार्टीज को कन्फर किया गया है। रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट के समक्ष किया जाता है। अपील किसी भी सुपीरियर कोर्ट के समक्ष की जा सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वह कोर्ट हाई कोर्ट ही हो। रेफरेंस के लिए जो ग्राउंड होता है वो होता है डाउट इन क्वेश्चन ऑफ लॉ। जो अपील के ग्राउंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक वाइड होते हैं अगर हम लोग उसे कंपेयर करें रेफरेंस के ग्राउंड्स के साथ। रेफरेंस तभी किया जा सकता है जब जो सूट, ऑर्डर या फिर जो एग्जीक्यूशन है वो पेंडिंग है। अपील तभी की जा सकती है जब जो डिक्री है वो पास कर दी गई है, और अगर वो एक ऑर्डर है तो जो ऑर्डर है वो अपीलेबल है। डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड अपील। रिव्यू उसी कोर्ट के द्वारा किया जाता है जिस कोर्ट ने केस के अंदर फैसला सुनाया था। अपील किसी भी सुपीरियर कोर्ट में फाइल की जा सकती है। रिव्यू से तात्पर्य है रिकंसिडर करना सेम मैटर को सेम जज के द्वारा सेम कोर्ट में। अपील के द्वारा कंसिडर किया जाता है मैटर को डिफरेंट जज के द्वारा और सुपीरियर कोर्ट में। रिव्यू के जो ग्राउंड्स होते हैं वो नैरोअर होते हैं अगर हम लोग उसे कंपेयर करें अपील से, और अपील के जो ग्राउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं। किसी भी परिस्थिति में सेकंड रिव्यू नहीं किया जा सकता है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद हों तो सेकंड अपील भी की जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन रिविजन एंड अपील। जो रिविजन की एप्लीकेशन है वो सिर्फ हाई कोर्ट के समक्ष लाई जा सकती है। अपील किसी भी ऐसे कोर्ट के समक्ष की जा सकती है जो उस कोर्ट से सुपीरियर हो जिस कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर है या फिर जो डिक्री है वो पास की गई है। अगर जो अपील है उसका प्रावधान मौजूद नहीं है तो यहाँ पर रिविजन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। जब सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर या फिर डिग्री को पास कर दिया जाता है तब उसके लिए अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट की जो रिविजनल पावर है वो डिस्क्रिशनरी है। ये हाई कोर्ट पर निर्भर करता है कि हाई कोर्ट रिविजन करेगा या नहीं। राइट टू अपील एक सब्सटेंटिव राइट है।
अपील अग्रीव्ड पार्टी का एक अधिकार है। रिवीजन के लिए जो ग्राउंड्स होते हैं ज्यूरिसडिक्शनल एरर्स। अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर दोनों के लिए की जा सकती है। रिवीजन के लिए जो एप्लीकेशन है उसका फाइल किया जाना ज़रूरी नहीं है। हाई कोर्ट के द्वारा रिविजनल पावर को सुओ मोटो भी यूज़ किया जा सकता है। अपील करने के लिए व्यक्ति को मेमोरेंडम ऑफ अपील फाइल करना होता है सुपीरियर कोर्ट के समक्ष। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड रिव्यू, रेफरेंस एंड रिविजन, रिव्यू एंड रिविजन, रेफरेंस एंड अपील, रिव्यू एंड अपील, रिविजन एंड अपील।